नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी के सुपर एमसीक्यू सीरीज नंबर 82 में आपका स्वागत है। यह एमसीक्यू यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी जीडीसी डीडी प्लस बी यूपीएससी एवं अन्य समाजशास्त्र संबंधी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एडवर्ड शेड ने उत्तर उपनिवेशवाद के सिद्धांत के अंतर्गत अपने द्विसांस्कृतिक दृष्टिकोण को किन दो मध्य पूर्व के देशों पर पश्चिमी दुनिया के प्रभाव की व्याख्या की है। तो उन्होंने दो मध्य पूर्व के देश जिन पर उन्होंने पश्चिमी दुनिया के प्रभाव की व्याख्या की है और इसी के आधार पर उन्होंने उत्तर उपनिवेशवाद की बात की है। ठीक है, तो उनके चैप्टर मैंने अच्छे से बताया हुआ है कि उत्तर उपनिवेशवाद के अंतर्गत उन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई हुई हैं। ठीक है, और इसमें उन्होंने इजराइल और फिलिस्तीन नामक दो देश की बात की है। तो याद रखिएगा, एडवर्ड शेड ने जो उत्तर उपनिवेशवाद के प्रभाव की व्याख्या की है वो किसमें की है? उत्तर उपनिवेशवाद के अंतर्गत पश्चिमी दुनिया के प्रभाव की व्याख्या उन्होंने इजराइल और फिलिस्तीन देश के अंतर्गत की है। ठीक है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि स्वसमता का क्या अभिप्राय है? स्वसमता का अभिप्राय है प्लास्टिक कामुकता। ठीक है, तो जो प्लास्टिक सेक्सुअलिटी है इसके संबंध में स्वसमता की बात कही गई थी और एंथनी गिडेंस ने कही थी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, किसने एडवर्ड शेड की थीसिस को पश्चिमी विरोधाभास कहा? तो बर्नार्ड लुइस ने एडवर्ड शेड की जो थीसिस थी जिससे उन्होंने पीएचडी की हुई थी उसको उन्होंने पश्चिमी विरोधाभास कहा। ठीक है, ये कहकर पुकारा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि मानव उपागम में ज्ञान कर्म और भक्ति सम्मिलित है, किसने कहा? ठीक है, तो ये कहा है स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, उन्होंने मानव उपागम के अंतर्गत ज्ञान कर्म और भक्ति को सम्मिलित किया है। और इसको अलग ढंग से भी पूछा जा सकता है कि मानव उपागम को ज्ञान कर्म और भक्ति से किसने जोड़ा? तो स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे। ठीक है, या फिर ज्ञान कर्म और भक्ति जो है वो मानव उपागम को जन्म देती है। इस तरह से कोई भी कोटेशन बनाया जा सकता है। एग्ज़ाम में जो आपको अलग अलग कोटेशंस मिलते हैं वो अक्सर बनाए हुए ही होते हैं। ठीक है, कुछ कोटेशंस ऐसे होते हैं जिसको राइटर ने अपने मुँह से बोला हुआ है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो कोटेशंस होते हैं उनको तोड़ मरोड़ कर घुमा कर और जो थिंकर के विचार होते हैं उसको कोटेशन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से कौन सा विचारक उत्तर संरचनावाद से जुड़ा है? तो उत्तर संरचनावाद से बोर्डिव जुड़े हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि किसने कहा है कि भूमंडलीकरण को मात्र पश्चिमीकरण के रूप में नहीं समझा जा सकता, यह एक प्रक्रिया है जिसमें सांस्कृतिक बहुलतावाद में भी वृद्धि होती है। ठीक है, ये बात जो है एंथनी गिडेंस ने कहा है। ठीक है, उन्होंने कहा कि भूमंडलीकरण यानी जो वैश्वीकरण है वो केवल पश्चिमीकरण नहीं है कि पश्चिमी देशों का प्रभाव एक देश से दूसरे देश में पड़ रहा है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सांस्कृतिक बहुलतावाद बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। यानी मैंने आपको बताया था उनके चैप्टर में कि एक देश का जो डॉक्टर है वो दूसरे देश में हो रहे ऑपरेशन को लाइव देखता रहता है। ठीक है, तो यही चीज़ है कि पश्चिमीकरण का मतलब है कि अनेक देश बहुत तेज़ी से एक दूसरे से जुड़ते हैं और जब बहुत तेज़ी से जुड़ते हैं तो उनकी संस्कृतियाँ भी जुड़ती हैं और इससे सांस्कृतिक बहुलवाद की वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अनुवांशिक संचयन की अवधारणा किसने दी है? तो एंथनी गिडेंस ने। ठीक है, एंथनी गिडेंस ने दी है और उन्होंने जो अनुवांशिक की बात की थी ज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, तो यही चीज़ है वो अनुवांशिक संचयन। ठीक है, नाम दूसरा कर दिया गया है, इसको आप ज्ञान की अनुवांशिकी भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि अंतःक्रियावाद की अवधारणा किसने दी है? तो क्लिफोर्ड गिर्स ने दी है। ठीक है, और ये उनके चैप्टर में आप देख लीजिएगा, एक बार उनका चैप्टर मैंने बनाया हुआ है तो उसमें अंतःक्रियावाद को बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि उत्तर आधुनिकता संबंधी विचार किसने दिए? तो उत्तर आधुनिकता संबंधी विचार जो है निम्न में से मिशेल फूको ने दिए है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि किसका कथन है उत्तर संरचनावाद मूल पाठ की कड़ियों से जुड़ा है? इन कड़ियों के प्रारंभिक स्वरूपों को देखना उत्तर संरचनावाद कहलाता है। ठीक है, यानी जो हमारे मूल पाठ के हमारे जीवन के जो प्रारंभिक चीज़ें हैं, मूल चीज़ें हैं, उनकी कड़ियों को जोड़कर उत्तर संरचनावाद को देखने की बात उन्होंने की है लेमर्ट ने। ठीक है, ये लेमर्ट का कथन है, याद रखिएगा। और ये जो कथन है थोड़ा उलझाऊ टाइप का है इसलिए आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा बन रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताइए इस चैनल के बारे में। और मेरा भी चैनल नया है तो आपके हेल्प की ज़रूरत है मुझे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।